आप कैचटी न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करिए हमारे एचटी न्यूज चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिलती रहे हमारी ताजी खबरें। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की एक बैठक चल रही है राजधानी के दारुल शफा में। हम लोग आए हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स में। राजधानी के दारुल शफा कॉमन हॉल ए ब्लॉक में जिलों जिलों से लोग आ करके अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की जो बैठक चल रही है इनके पदाधिकारियों से पूछते हैं कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या मांग उनकी है अपने समाज के लिए। परिचय देते हुए बताइए आज के लोक संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा जो बैठक हो रही है उसका उद्देश्य क्या है बैठक? आज हमारी जो है ये अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की प्रदेश पूरी कमेटी की जिला एवं नगर की सभी कमेटियों को बुला के बैठक की गई। जो 16 सूत्री मांगे हमारी हैं समाज के हित के लिए उसको आज प्रस्ताव हमने रखा। उसका प्रस्ताव पास कराने के लिए आज सभी जिला एवं नगर प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया। उसको आज प्रस्ताव पास कराने के लिए हमने बैठक की है, मीटिंग की है। इसके लिए फिर आगामी हम लोगों ने हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होना है प्रयागराज में, उस संदर्भ में चर्चा हो रही है। उसके बाद अयोध्या में एक हमारा सम्मेलन होने वाला है, उस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी की रणनीति तैयार की जा रही है। समाज के हित को लेकर जैसा कि हम लोग हमारे ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की जा रही है तो समाज को आगाह करना है कि अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा माननीय के सी पांडे के नेतृत्व में बराबर निरंतर काम कर रही है, समाज के हितों के मुद्दों को उठा रही है। समय समय पर जैसा भी हमारे समाज के व्यक्तियों के लिए जैसी समस्या आती है उसके लिए हमारे पदाधिकारी हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपकी 16 सूत्री मांगे हैं तो सवर्णों को किस प्रकार से समस्याएं आ रही हैं और जिसके लिए ये बैठक चल रही है? सवर्णों की सबसे बड़ी समस्याएं है कि हमारे सवर्ण समाज की जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए संवैधानिक तौर पर सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं किया है। देश आरक्षण दिया है सवर्ण? हाँ, कह रहा हूँ, बता रहा हूँ जवाब 10% का आपके। इस देश में अल्पसंख्यक आयोग है, इस देश में अनुसूचित जात जनजात आयोग है, इस देश में पिछड़ा वर्ग आयोग है, इस देश में महिला आयोग है, इस देश में बाल आयोग है, इस देश में गो सेवा आयोग है, लेकिन सवर्ण समाज के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई संवैधानिक आयोग नहीं बनाया गया है। सबसे बड़ी संकट और समस्या ये है कि अभी जो केंद्र की सरकार है उसने अपने पिछले कार्यकाल में हरिजन एक्ट की दंडात्मक धारा 310 को इतना कठोर कर दिया है कि 310 में मुकदमा अगर दर्ज होगा तो बगैर जांच के बगैर विवेचना को तत्काल जेल भेजा जाएगा। हमारा अगर सवर्ण आयोग गठित हो जाएगा तो आयोग हमारी सुनवाई करेगा, हम निर्दोष हैं तो हमको निर्दोष घोषित करेगा। इसलिए सबसे बड़ी समस्या हमारी है कि सवर्ण आयोग का गठन हिंदुस्तान की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार करे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने सवर्ण आयोग बना दिया है, तमिलनाडु में जब जयललिता मुख्यमंत्री थे तो सवर्ण आयोग का गठन उन्होंने कर दिया, और इतना ही नहीं हिंदुस्तान में अकेला राज्य है तमिलनाडु जहां पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले ब्राह्मणों को भी 10% आरक्षण दिया जा रहा है सरकारी नौकरियों में। तो ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं की जा रही है? सवर्ण समाज आज चौराहे पर खड़ा है, उसकी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, उसको क्रश किया जा रहा है, उसके नेतृत्व को दबाया जा रहा है, उसको मौका नेतृत्व करने का नहीं दिया जा रहा है। आपने अभी एक सवाल हमसे किया है कि सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं कि संविधान में आरक्षण 50% दिया गया था,
50% सामान्य जातियों के लिए था। अब सामान्य के जो 50 था उसी में से 10% काट दिया गया, मान हम 40% रह गए, 10 हमारे में से ही काट दिया गया। हमको दिया क्या गया सरकारें बतावे कि हमको कहाँ से दिया गया? अलग से हमारी 10% की व्यवस्था की गई होती तब ना हम कहते हमको दिया गया। हमारा जो 50 था वो 40 कर दिया गया और हम कह दिया कि अच्छा आपको मिल गया। तो इससे बड़ा उल्लू बनाने का कारण सरकार क्या कर सकती है? जैसे कि जो 16 सूत्री आप लोगों की मांगे हैं, हाँ, इसके ऊपर सरकार विचार विमर्श नहीं करती है तो क्या आपका समाज आंदोलन भी छिड़ेगा? हमारा समाज 14 और 15 सितंबर को प्रयागराज में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ रही है, हिंदुस्तान के हर प्रदेश के अध्यक्ष उसमें आएंगे और हमारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में है। परशुराम सेना, महिला ब्राह्मण सभा, सवर्ण एकता परिषद, ये सभी लोग। सवर्ण एकता परिषद हम लोगों ने इसीलिए बना दिया कि जो ब्राह्मण नहीं थे हमसे जुड़ना चाहते थे सवर्ण समाज के लोग, उनको जोड़ने के लिए सवर्ण एकता परिषद बना दिया है। तो सब लोग इकट्ठा जुटेंगे और यही रणनीति हम लोग तय करेंगे कि हम लोग किस प्रकार से राष्ट्रव्यापी आंदोलन इस मामले को लेकर के छोड़े। और जब राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा तो मैं जानता हूँ कि 2022 सर पर आ गया, 2019 खत्म होने जा रहा है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का, और विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव ही देश के राजनीति की दशा और दिशा निर्धारित करेगा। फिर तो सरकार झुकेगी, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने ये 16% 16 सूत्री मांग प्रस्तुत किया है आपके समक्ष। देते हुए बताइए, आप बैठक में आए, बैठक का उद्देश्य? हम नखलाऊ आए हैं, सहारनपुर से आए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नागल, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार शर्मा है। तो सवर्णों को किस प्रकार की समस्या आ रही है? सवर्णों को इस प्रकार की समस्या आ रही है, इनका जो आर्थिक स्थिति एक तो यूँ खराब है ब्राह्मणों की, दूसरे सरकार ने जो इन्हें वो दिया है वो बहुत कम दिया, 10% दिया, ये 50% होना चाहिए। और जितने भी पंडित कर्मकांडी हैं उन्हें पेंशन या कोई तनख्वाह के रूप में काम किया जाए उनका। जैसे कि आपके संगठन ने 16 सूत्री मांगे रखी हैं, अगर पूरी नहीं होती हैं तो अगर वो पूरी नहीं, आंदोलन भी छेड़ेंगे प्रयागराज में। जी तो क्या आप लोग आंदोलन में भागीदारी देंगे? आंदोलन में हम कम से कम भी 1000 आदमी सहारनपुर से ले आएंगे और इस आंदोलन को जो है सुचारू रूप से बहुत अच्छा बनाएंगे। तो ये थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी, जिनसे हमने बात किया कि किस प्रकार से उनकी जो 16 सूत्री मांगे हैं उनके ऊपर अगर सरकार विचार विमर्श नहीं करती है तो सितंबर में प्रयागराज में एक आंदोलन भी छेड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान के पदाधिकारियों को जुटाकर अपनी आवाज़ और बुलंद करेंगे। यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिलों से लोग आए हुए हैं बैठक में, यहाँ भागीदारी दे रहे हैं, जो 16 सूत्री मांगे हैं उसके ऊपर सरकार जल्द से जल्द विचार विमर्श करे वरना बड़ा आंदोलन सितंबर में प्रयागराज राज में छेड़ेंगे। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं अमित आपसे इजाजत चाहता हूं, धन्यवाद। आप कैचती न्यूज बनेगा आपकी आवाज, पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू, नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार।